मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सब, हुमैरा का सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अपने मजे की एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और हम बना रहे हैं आज फ्राइड कीमा ढाबे वाला। बहुत मजे का होता है, मैंने एक जगह ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चले फिर मैं आपको इसे बताती मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इसमें यूज किए। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है और झटपट बन जाता है, इसमें ज्यादा देर भी नहीं लगती है। तो फिर चले फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो चले मैं आपको बता रही हूँ मैंने अपने फ्राइड कीमे में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने तकरीबन मेरा 1.5 पाउंड जो है वो ग्राउंड बीफ है। आप चाहें तो इसमें मटर एंड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने, मेरे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, तो मैंने इसमें प्लस 1 टीस्पून जो है रेड पेपर है, रेड पेपर पाउडर, चिली पाउडर जो है मेरे पास 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ गर्म मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास जो है पिसा हुआ ज़ीरा है, और आधा टीस्पून जो है वो मेरे पास धनिया पाउडर है। और ये मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, सॉल्ट आपके ऊपर है, आपको जैसा करना हो, ज़्यादा कम ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं उसको, तो आप किसी और भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है गरम मसाले के थोड़े से चीज़ें हैं। ये मेरे पास दो तेज़पात के पत्ते हैं, 2 बड़ी काली मिर्चें हैं, 1 आधा टीस्पून मेरे पास काला ज़ीरा है, शाही ज़ीरा जो होता है, छोटा सा मेरे पास टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है, और 5 से 6 जो है मेरे पास लौंगे हैं। और ये मेरे पास जो है रेड चिली, मैं आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास जो है मैंने कश्मीरी पेपर को, मैंने इसको पेस्ट बना के रखा हुआ है, मैं घर में यूज़ बनाया हुआ है, घर इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका कलर अच्छा आता है, टेस्ट इसका कुछ नहीं होता, लेकिन कलर इसका एनहेंस हो जाता है, अच्छा लगता है खाना जो है। ये मेरे पास हरा धनिया है, तकरीबन 1/2 कप मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ये मेरे पास जूलियन कट जिंजर है, तकरीबन 1/2 कप ये है। और ये पास 4 से 5 चिलीज़ हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप्ड। ये मेरे पास जो है चिलीज़ हैं, इनको मैंने लेंथ वाइज लंबाई में काट के रखा है, हम इसको भी यूज़ करेंगे। ये 1 कप के करीब जो है मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, ग्रीन वाली जो हमारी प्याज होती है वो है। और ये मेरे पास तकरीबन एक बड़ा टमाटर और छोटा टमाटर को मैंने दोनों को चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास जो है 2 टेबल स्पून जो है फ्रेश पुदीना है, और हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। चलें फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा स्टोव है ये गरम हो गया है, तो हम इसमें पहले डालेंगे ऑयल अपना। तो मैं तकरीबन इसमें 1/2 कप ऑयल यूज़ करूँगी। ये मैंने ऑयल चला गया इसके अंदर, हमारा जो ऑयल गरम हो गया है। तो अब इसमें जो मैं हूँ अपने पूरे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे गरम मसाला है वो मैं डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, गरम मसाला है ये, थोड़ा गरम हो गया। मैं इसमें डालूंगी अपनी जूलियन कट जिंजर जो है, जूलियन कट जिंजर जो है हम थोड़ी सेव करेंगे, आधी अभी डालूंगी, आधी हम बीच में कुकिंग में डालूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तकरीबन, मैं इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें अपनी ग्रीन जो अनियन है ये हम डाल देंगे। ये हमारी इसमें ग्रीन अनियन चली गई, साथ ही हम, मैं इसमें अपनी हरी मिर्चें डाल दूँगी चॉप की भी, हमारी हरी मिर्ची चली गई। और ये हमारा गार्लिक पेस्ट जो है, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये चला गया। अनियन को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये जिंजर गार्लिक का जो टेस्ट है वो ज़रा सा पक जाए। कितनी देखें, अभी इतनी कुछ डाला भी नहीं है मैंने, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं, स्मेल इतनी प्यारी आ रही है। ये थोड़ा सा इसको हम 2 मिनट सॉटे करेंगे ताकि गार्लिक जिंजर जो है ये अच्छी तरह से इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम इसे बाकी चीज़ें ऐड करेंगे।
तो चलें फिर अब ये जो है मैं इसमें ये अपनी ये मेरे पास जो पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ जीरा है, गरम मसाला है और लाल मिर्च है, मैं इनको ऐड कर रही हूँ। ये इसमें चला गया, ये हमारा सॉल्ट इसमें चला गया, एक टीस्पून है। सॉल्ट आपके ऊपर है, आप चाहें तो कम ज़्यादा डालें। तो मैं इसमें अपनी ये जो है कश्मीरी पेपर ये भी ऐड कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। सर इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। चलें अब इसमें जो है हम अपने टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये हमारे इसमें टमाटर चले गए। और साथ ही जो मैं इसमें है अपना हरा धनिया वो भी ऐड कर दूंगी। ये मेरा हरा धनिया, और पुदीना जो है ये भी चले गए दोनों। चॉप पुदीना था इसको मैंने, फ्रेश पुदीना लिया था उसको मैंने। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक सब चीज़ों को फ्राई करेंगे, फिर हम इसके बाद इसमें जो है कीमा ऐड करेंगे अपना। अपना जो कीमा है वो ऐड कर रही हूँ। कीमे को मैंने अच्छी तरह धो लिया था, जो मेरी बाकी जो बड़ी भी बची हुई अदरक है मैं उसको भी ऐड कर दूंगी। तो हमारी बाकी अदरक चलेगी, सब कुछ चला गया इसके अंदर सिवाय मेरी हरी मिर्चों के, वो मैं अभी ऐड में दूसरी जो हरी मिर्चें हैं मेरी वो डालूंगी। एक तो मैंने डाल दी है। इसको हम भूनेंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसी इसमें ये भूनेगा। टमाटर ने काफ़ी पानी जो है रिलीज़ किया है। ये देखिए इसका पानी जो है कीमे का खुश्क होना शुरू हो रहा है। तो हम इसको भून लेंगे इसके साथ ही। तकरीबन मैंने ये 10 मिनट तक पका है, इसमें पानी मैंने डाला। जब पानी मैंने ऐड किया था जब हम मसाला भून रहे थे शुरू में थोड़ा सा वो भी, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं होता क्योंकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ करते हैं और प्याज अपना करती है, कीमा अपना करता है, तो हमें पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो बस ये कुकिंग उस पर हो गया है, थोड़ी देर में फिनिश कुकिंग हो जाएगी। बस इसको हमें भूनना है। कीमा हमारा अच्छा खासा हो गया। मैं इसमें अब जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो ग्रीन अनियन जो काटी थी लेंथ वाइज उनको मैंने किया था, तो मैं उनको ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। चलें ये हमारा कीमा जो है बिल्कुल तैयार है, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है प्लेट है, मैं पूरा कीमा जो है इसके सेंटर में डाल दूँगी। स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। कितना ज़बरदस्त देखें बना है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ आपके साथ। चले मैंने अपना जो है फ्राइड कीमा धागे वाला डिश आउट कर दिया है, और शक्ल इतनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी शक्ल का बनाया है, बहुत ही मज़े का है। स्मेल तो पूरी घर में भरी हुई थी इसकी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। चले मैं आपको इसको ट्राई करके बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही मजे का है, बहुत मज़े का है। स्पाइसी है थोड़ा, आपको पता है जब ढाबे वाली चीज़ें होती हैं तो स्पाइसी होती है, ताकि जब भी लोग अट्रैक्ट होकर जगहों पे जाते हैं खाने के लिए, तो हमारे घर के ज़्यादा माइल्ड तो रखते नहीं हैं उनके साथ चीज़, लेकिन बहुत मज़े का है। स्मेल भी बहुत मज़े की, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मैंने इसे गार्निशिंग थोड़ी करी है, तो शक्ल भी देखें कितनी प्यारी है। और इसको मैंने थोड़ा सा अपना रिक्शा जो है वो और चीज़ें रखी हैं डेकोरेशन के लिए, ताकि आपको लगे ढाबा स्टाइल जो है। चले फिर आप इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपका कैसा बना, और अपनी जो बनाइएगा तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे
नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही और मजेदार रेसिपी के साथ मुलाकात करूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।